तो शो को साइन करने से पहले ये लगा कि भाई ग्रेट शोज़ जो भी मैंने किए हैं, ग्रेट TRP भी मिली है और ग्रेट टैलेंट भी मिला है, और उस ग्रेट टैलेंट को फिल्मों के ज़रिए ब्रेक भी मैंने दिया है, और वो ग्रेट सिंगर्स बन भी चुके हैं, दर्शन रावल, अकासा, अमन, श्रीराम, मोहम्मद इरफान, सब बहुत बड़े सिंगर्स बन चुके हैं, हिट गाने भी गा चुके हैं। अब वो ग्रेट सिंगर्स, ग्रेट शो के बाद TRPs हासिल करने के बाद ऐसा क्या ग्रेट रियलिटी शो आ जाएगा जिसको मैं जज करके मुझे लगेगा कि मुझे बोलना पड़ेगा कि सुपर से भी ऊपर। तो वो ग्रेटेस्ट टैलेंट मुझे लगा इस शो में, और ये जब मैंने देखा वो मैं दिल से स्टैम्प कर सकता हूँ, आप ट्रेलर में देख कर बोलिए कि नहीं ये ग्रेट टैलेंट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट टैलेंट है। और वो मुझे इतने ग्रेट शोज करने के बाद और ग्रेट टैलेंट के बाद इस शो में ऑडिशन राउंड में ये जो कैप्टन्स ढूंढ के लाए हैं वो ग्रेटेस्ट मिला है। मैं यही कहना चाहूँगा कि कैप्टन्स खुद बहुत बेहतरीन सिंगर्स हैं और उनके ऊपर जितनी जिम्मेदारी सौंपी गई थी उस पर वो खड़े उतरे हैं, और जब आप एक एक बच्चे को सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि क्या चुन कर लेकर आए हैं। हाँ, वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, एक एक डिसेंट लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। देखिए वैसे जैसे कुछ गाने होते हैं, कुछ डांसेस भी होते हैं उसमें, तो अब डांस नंबर्स हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नॉटीनेस तो, मिस्चिफ तो आता ही है गानों में, लेकिन एज लॉन्ग एज वो डिसेंट लिमिट्स में है इट्स फाइन। ओवर द टॉप नहीं होना चाहिए कि आउट डाउन राइट वल्गैरिटी है, ऐसे वो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। डेफिनेटली मैं भी मानती हूँ।